देखिए, जैसा कि एक पार्ट सुमित्रानंदन पंत की कविता नौका बिहार आज आपके सेकेंड ईयर वालों के लिए है, सॉरी बीए सेकेंड ईयर वालों, बिहार का दूसरा पार्ट मतलब दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि पहला पैराग्राफ आपका हो गया था, जिसमें ये सुमित्रानंदन पंत जी काला कांकर में जो राजभवन है, राजभवन राजा का भवन है, वहाँ पे रुके हुए हैं और चांदनी रात में नौका विहार में, नौका पे जो विहार करते घूमते हैं, ये इनका शौक़ था। और उसी में वो गंगा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और उसमें इन्होंने जैसा कि पहला पैराग्राफ में था कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा कृष्ण विरल और तापस बाला गंगा निर्मल, जैसे लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, ससिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर, देखिए यहाँ पे गोरे अंगों पर सिहर सिहर, ये दूसरा पैराग्राफ। पहला में तो जैसे आपने देखा कि गंगा जो है, गंगा नदी कहाँ पे लेटी हुई हैं, किस तरीके से उनके सौंदर्य का वर्णन इसमें बताया गया था कि रात्रि के बेला में जो सारी तरफ शांति छाई हुई है और चारों तरफ स्नेह में जो प्रकाश आ रहा है, उस समय शांत सफ़ेद चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और आकाश अपने नेत्रों को बिना पलक झपकाए हुए धरती की तरफ देख रहा है, जैसा कि पहला पैराग्राफ में था। और गंगा जी के सौंदर्य का वर्णन उसमें कहते हैं कि जो गंगा जी है, सैकत सैया मतलब बालू पर सोई हुई हैं और बालू पर जब गंगा निर्मल, ससिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे पर उर कोमल कुंतल, जैसा कि आप पहले पैराग्राफ में था कि वो चांदनी रात में गंगा ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे अपने हथेली पे अपना चंद्रमा की भांति सुंदर चेहरा रख के थकी हुई लेटी हुई है, जैसा पहला ग्राफ पैराग्राफ में था। दूसरे में है गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससिकी सी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यहाँ पे भी देखिए कवि ने उस चांदनी रात में वर्णन किया है नौका विहार करते समय कि गंगा की सफ़ेद लहरों पर नीले आकाश की छाया बार बार कांप उठती है। जब नीले आकाश की छाया जब गंगा पे पड़ती है तो वो लहर कैसा होता है, लहरने लगता है ना, सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, जैसे लगता है कि उसका आंचल कैसा है, नीलांबर मतलब आकाश के लिए, जैसे आंचल उसका नीला मतलब आकाश का जो आंचल है नीला, वो उसकी लहरों के साथ जैसे लहर रहा है, उसका आंचल लहर रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, साड़ी की सिकुड़न, साड़ी की जैसे लहरें बनी होती हैं ऊंची नीची, जैसे साड़ी की सिकुड़न है, और शशि की रेशमी, शशि माने होता है चंद्रमा, जिसकी रेशमी विभा, विभा माने होती ज्योति या प्रकाश से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, वर्तुल माने होता है वर्तुल वृत्ताकार या घुमावदार, ठीक है। अगर हम इसका लिख देते हैं कि नीलांबर माने होता है नीला आकाश, नीलांबर गोरे अंगों पर सिहर सिहर, मतलब नीलांबर माने होता है नीला आकाश, नीला नीला आकाश, साड़ी चंचल अंचल मतलब चंचलता, आंचल जो लहरता है उसमें जो चंचलता है, साड़ी की सिकुड़न जी सी जिस पर, कहते हैं शशि माने होता है चंद्रमा, शशि चंद्रमा होता है, और देखिए विभा माने होती है ज्योति, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि माने है चंद्रमा, चंद्रमा विभा माने है ज्योति, ज्योति या प्रकाश मान लीजिए, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यहाँ पे सिमटी है वर्तुल, वर्तुल माने होता है वृत्ताकार या घुमावदार, ठीक है, वृत्ताकार या घुमावदार, वर्तुल माने वृत्ताकार या घुमावदार, घुमावदार, ठीक।
अब देखिए इसमें गोरे अंगों पर सियर सियर जो जैसे उसमें उस पंक्ति में आपने देखा कि श्वेत धवल दुग्ध धवल मतलब दूध के समान उज्ज्वल उसका जो शरीर है किसका गंगा का और उसमें उनके गोरे अंगों पर सियर सियर गोरे अंगों पर सियर सियर है कि जो लहरों पे जो आकाश की छाया बार बार क्या होती काँप उठती लहरों के हिलने के कारण वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे गंगा कुमारी के गोरे गोरे सुकुमार अंगों के ऊपर नक्षत्र जो है नक्षत्र जड़ित नीलाकाश रूपी वस्त्र बार बार क्या हो रहा है सिहर उठ रहा है ऐसे जैसे लग रहा है कि उनका जो वस्त्र है वो बार बार क्या हो रहा है सुकुमार अंगों को नक्षत्र जो नीला आकाश रूपी वस्त्र है जो नीला रूपी आकाश वस्त्र है जो नीला आकाश जो है उसकी छाया गंगा नदियों में पड़ती है ना तो उसका जो जो वस्त्र है चंचल अंचल सा नीलांबर वो क्या हो रहा है लहर रहा है और इसमें कवि कह रहे हैं कि जो पवन के कारण अंचल चंचल हो उठता है अंचल चंचल सा नीलांबर जो पवन के कारण ये जो आंचल है उनका वो क्या हो रहा है चंचल हो रहा है मतलब बार बार क्या हो रहा है उड़ रहा है उसकी लहरें ऐसे लग रही है जैसे वो गंगा का जो गंगा की जो साड़ी है जिसका आकाश रूपी जो छाया उस पर पड़ रही नीलांबर की तरह वो उसकी लहरें जैसे लग रहा है उसकी आँचल क्या हो रहा है उड़ रहा है लहर रहा है और उसमें कहते हैं पवन के कारण चंचल होता है चंद्रमा की छाया से प्रकाश से चंचल होती हुई एक बड़ी लहर अचानक धारा के मुख्य प्रभाव के ऊपर उभर आई है साड़ी की सिकुड़न थी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर इसमें कहते हैं कि एक बड़ी सी लहर अचानक धारा के मुख्य प्रभाव से उभर आई है वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो गंगा रूपी कुमारी की साड़ी की सिकुड़न हो जो उसके गोरे अंगों की आभा के कारण अलग से दीपित हो रही है अर्थात अलग से प्रकाशमान हो रही है जिसका ज्योति मतलब साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि मतलब चंद्रमा का प्रकाश रेशम प्रकाश विभा ज्योति प्रकाश उसकी क्या हो रही दिखाई दे रही सिमटी है वर्तुल मृदु लहर जैसे वृत्ताकार घुमावदार जैसे लहरें जो हैं वो क्या हो रही हैं घूम रही हैं कह रहे हैं कि जैसे ही बड़ी लहर अचानक या धारा के मुख्य प्रवाह से जैसे ही लहर क्या होती है उभर के सामने आती है जैसे लगता है कि प्रतीत होता है कि गंगा रूपी जो कुमारी है उसकी साड़ी की जो सिकुड़न है उसके गोरे अंगों की आभा के कारण अलग सी प्रकाशमान हो रही है उसके गोरे अंगों की जो आभा है मतलब प्रकाश है वो अलग ही एक प्रकाश या अलग ही एक ज्योति प्रकाशित कर रही है ऐसा कवि ने वर्णन किया जैसा कि आपने देखेंगे इसमें भी संदर्भ वही रहेगा प्रसंग भी वही रहेगा कि इसमें गंगा के सौंदर्य के वर्णन किया गया है व्याख्या में यही होगा कि इसमें जो गंगा जी हैं उनके मतलब कि बताया गया कि गंगा की जो सफ़ेद लहरें हैं जो सफ़ेद लहरें हैं पानी कैसा होता है कलर तो उसका नहीं मालूम पड़ता लेकिन वाइट ही कहते हैं ना वाइट उसका उसमें जिसकी छाया पड़ती है वो उसी कलर का हो जाता है जैसा कि देखा कि उसका जो लहरों के हिलने के कारण वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे गंगा कुमारी के गोरे गोरे सुकुमार अंगों के ऊपर नक्षत्र जो है नक्षत्र जटित नीलाकाश रूपी वस्त्र बार बार क्या हो रहा है सिहर उठ रहा है और पवन के कारण जो उसका जो हवा बह रही है उस समय लहर रहा है उसका चंचल अंचल सा नीलांबर चंचल वो आंचल जो क्या हो रहा है लहरने लग रहा है चंचल हो जा रहा है नीलांबर नीला आकाश की जो परछाई आंचल पड़ती है साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर कहते हैं कि उसमें पवन के कारण चंद्रमा की छाया के प्रकाश से चंचल होती है जो बड़ी लहर अचानक धारा के मुख्य प्रभाव के ऊपर उभर के आती है जैसे ही घूम के सिमटी है वर्तुल मृदु लहर जैसे ही घूम के वो लहर आती है ऐसा मालूम पड़ता है कि गंगा जो रूपी कुमारी की साड़ी की सिकुड़न हो जो उसके गोरे अंगों की आभा के कारण एक अलग अलग से दीपित हो उठी है आखा अलग से रेशसी की रेशमी विभा मतलब ज्योति एक अलग से प्रकाशमान हो रही है ठीक है अब अगली पंक्ति है अब देखिए अगली पंक्ति है इसमें दूसरा पैराग्राफ है चांदनी रात का प्रथम पहर हमें चले नाव लेकर सत्पर देखिए चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव ठीक है यहाँ पे हम रहेगा सॉरी हमें हो गया हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर और लोपाले चढ़ी उठा लंगर मृदुमंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चित निश्चल जल के सुचि दर्पण बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन
पलकों में वैभव स्वप्न सघन। देखिए यहाँ पे कवि काला कांकर राजभवन का वर्णन भी कर रहे हैं कि जिस समय, अब भी तो गंगा के सौंदर्य का वर्णन था, जिस समय चांदनी रात का प्रथम पहर। चांदनी रात तो आप लोग देखे होंगे ना कैसा होता है, चांदनी रात कैसा होता है, गर्मी के समय अगर चांदनी रात हो तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर बहुत घूमने का मन होगा, ऐसा लगता है कि मतलब कि बाहर ही कोई मतलब यात्रा हो, मौसम बहुत सुंदर दिखाई देता है उस समय। जो कवि यहाँ पे कवि का जो वर्णन है, कवि ने जो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो ये तो कवि को ही सुंदर जिस हिसाब से वर्णन किया है, क्योंकि हम लोग को जो सुंदर लगता है आप लोग को भी लगता होगा, उसका अगर वर्णन करेंगे तब सामने आएगा कि आपको कितना सुंदर लगता है। उस समय चांदनी रात का प्रथम पहर, वर्णन कवि ने कहा है कि जब चांदनी रात का प्रथम पहर रहता, पहला समय था, हम चले नाव लेकर सत्वर। हम नाव लेकर तेज़ी से चलते हैं, मतलब सत्वर माने होता है तेज़ी से। थोड़ा सा शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ करके भी ऐसे हम लिख सकते हैं कि जैसे चांदनी रात का प्रथम पहर हो गया, इसमें नाव लेकर चले सत्वर, सत्वर लोग के लिए भी कहा जाता है और यहाँ पे तेज़ी से भी कहा गया है, तेज़ी से, और कहीं कहीं ये भी होगा सत्वर मतलब सज्जन लोग के लिए भी कहा गया है, ठीक है। और सिकता की सस्मित सीपी पर, यहाँ भी सिकता आ गया, सिकती सैकत या सिकता, सिकता माने होता है बालू, बालू। सिकता की सस्मित माने होता है मुस्कान, एक तरीके से कि मंद मुस्कान युक्त या हंसती हुई मुस्कान युक्त, मतलब धीरे धीरे मुस्कुराना जो होता है, तो इसका होगा कि मंद मुस्कान, ठीक है, मंद मुस्कान युक्त, मुस्कान युक्त, ठीक है, मुस्कुराना या मुसाद। सीपी होता है, सीपी में मोती, आपने सुना होगा, देखिए कि सीपी में मोती पर जोसना, जोसना, जोसना किसको कहते हैं, जोसना मतलब चांदनी रात में जो प्रकाश होता है, चांदनी को ही कहते हैं, समझ जाइए, जोसना चांदनी, ठीक है। जोसना रही विचर, विचर माने होता है विचरण करना या घूमना, यही विचर माने होता है विचरण करना, ठीक है, इसका भी देखते हैं, विचर का विचरण करना, विचरण करना, ठीक है। और लोपाल चढ़ी उठा लंगर मंद, लोपाल चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ी उठा लंगर, नाय को देखे होंगे ना, जब उस पहले वो रस्सी में बांधी रहती है ना, और फिर उसके बाद जो होती है उसको उठा के लोहे का जो कांटा होता है, लंगर, लंगर एक तरीके से लोहे का कांटा जिसमें वो बांधी रहती है, इसमें लोहे का कांटा, लोहे का कांटा जिसमें मतलब फंसाई रहती है पहले, कि जब नाय नहीं चलती है तो उसको कहीं किनारे पे खुट्टे में बांधा रहता है, और बाद में जब लो पाल चढ़ी उसका जो पाल मतलब चढ़ाया जाता है जिससे चलती है, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यहाँ पे मृदु मंद मंद मंथर मंदर मंथर माने होता है तरणी माने होता है नौका, एक तरणी माने यहाँ पे नायिका के लिए भी कहा गया है, यहाँ पे नौका के लिए कहा गया है, नौका मतलब नाय, ठीक है, नौका। तिरिर खोल रही पालों के पर निश्चित जल के सुच दर्मण बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब इसमें देखिए तरणी माने होता है नौका और पालों के पर, पालों के पर हो गया ना इसमें, तो इसको पर माने होता है पंख, इसका होगा पंख, पालों के पर पंख। निश्चित जल के सुचि दर्पण माने होता है शीशा एक तरीके से जिसमें बिंब, दर सुचि मतलब होता है पवित्र, सुचि माने होता है पवित्र, पवित्र। दर्पण माने होता है शीशा, बिंबित माने जिसकी छाया दिखाई दे हो, और इसमें देखिए अगर रजत का हो तो रजत भी मतलब होगा चांदी जैसा, ठीक है, सुनहरा रंग जिसको कहते हैं, चांदी जैसा, चांदी जैसा, रजत चांदनी जैसा, पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और यहाँ पे देखिए दोहरे मतलब सूचि माने, देखिए यहाँ तो पवित्र हो गया, और प्रमण माने होता है निश्चित प्रमण, निश्चित प्रमण माने होता है कि प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न,
अब ये हो गया शब्दार्थ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर व्याख्या करने जा रहे हैं तो उसके नीचे आप शब्दार्थ करके उसका मीनिंग, जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। या फिर मतलब जब नीचे हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं ना, काव्य सौंदर्य या साहित्यिक साहित्य सौंदर्य जो विशेष में जो लिखते हैं, तो उसमें नीचे ये हम इसको शब्दार्थ को कठिन शब्दों का अर्थ लिख कर भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने संदर्भ व्याख्या प्रसंग बता दिया गया था, तो काव्य सौंदर्य में भी हम जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखकर लिख सकते हैं नीचे विशेष में या काव्य सौंदर्य में। अब देखिए यहाँ पे कवि कहना क्या चाहता है, तो इसका वर्णन है कि इसमें जो है यह पद्य जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार से उद्गृत है। आप तो सीधे से कहेंगे कि कैसे लिखेंगे इसका संदर्भ, कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत कविता किसके कवि द्वारा, छायावादी कवि द्वारा, छायावादी स्तंभ कवि द्वारा, या फिर प्रकृति के सुकुमार कवि द्वारा रचित गुंजन काव्य संग्रह से लिया गया है। गुंजन काव्य संग्रह के नौका विहार कविता से लिया गया है, जिसमें मतलब कवि के द्वारा प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया। प्रकृति में नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तो सभी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो उसमें भी यही, इसमें भी कवि ने ऐसे ही वर्णन किया है। अब प्रसंग में यही होगा कि कवि यहाँ चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में जो नौका विहार के लिए चलता है, तो उस समय जो वो अनुभव करता है, जिस सौंदर्य का वो अनुभव करता है, उस सौंदर्य का इसमें वर्णन करता है। अब इसमें कवि क्या वर्णन कर रहा है, व्याख्या में कहेंगे कि जैसे आपने देखा कि प्रसंग में कि जब वो कवि चलता है नाव में घूमने के लिए, तो उस समय जो चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, उसमें नाव जब धीरे धीरे गंगा नदी में तैरती है, तो उस समय का जो मनोरम वर्णन है उसको कवि ने यहाँ व्याख्यायित किया है। किस प्रकार किया है कि इसमें कवि कहता है कि चांदनी रात्रि का प्रथम पहर था, मतलब चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर, क्योंकि हम तब क्या करते हैं, हम नौका विहार हेतु नाव लेकर शीघ्र ही क्या करते हैं, वहाँ चल पड़ते हैं। उस समय क्या था, चांदनी का पहला पहर था। सिकता की सस्मित सीपी पर, इसमें रेत पर जो उज्ज्वल चांदनी पड़ रही थी, जो रेत पर बालू पर जो उज्ज्वल चांदनी मतलब चांदनी पड़ रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि ऐसे मनो प्रतीत हो रही थी मानो सीपी के अंदर की मोती की आभा जगमगा रही हो। जैसे लग रहा था कि सीपी पर मोती की जो सना मतलब दिख रही हो, विचरण कर रही हो, जैसे सीपी में मोती चमकता है, उस भांति बालू भी उस मतलब उस जल में, उसमें ऐसे रेत में उज्जवल चांदनी पड़ रही थी। जब चांदनी रेत में पड़ती है बालू, तो बालू चमकता है कहीं कहीं, तो उस समय ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा है जैसे सीपी के अंदर मोती की आभा मतलब मोती का प्रकाश या मोती की ज्योत्सना देख रहे हैं, जो दिया है ना मोती की ज्योत्सना, जैसे विचरण कर रही हो वहाँ पे, मतलब विद्यमान हो, इस प्रकार जगमगा रही हो, ऐसा लगता है। कुछ ही देर में नाव पर पाले चढ़ गई, कहते हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब कुछ ही देर में जो नावें हैं वो पाले चढ़ गई, मतलब चलने के लिए क्या हो गई, ऊपर हो गई, और उठा लंगर, लंगर जैसे कि जब चढ़ जाती हैं तो लंगर खुल जाता है, और हमारी लघु नाव जो हमारी छोटी सी नौका, कहते कि उठा लंगर मृदुमंद मंद मंथर लघुतरणी, लघुतरणी माने छोटी सी नैया, तरणी माने होता है नौका और लघु माने होता है छोटी, जिस नाय पे ये लोग सवार थे वो नाय कैसी है, छोटी सी है। कहते कुछ ही देर बाद नाव जो पाले चढ़ गई, और हमारी लघु नाव अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर सुंदर हंसनी के समान मंथर गति से जल में तैरने लगी। कहते हैं कि जैसे ही पाले चढ़ी नाव, जैसे ही वहाँ से कूटे से उसको निकाला जाता है, जिसमें लोहे का मतलब लोहे में उस खिला रहता है, उसमें अटकाया रहता है, ठीक है, और जब उसको खोल के वहाँ से निकाला जाता है मतलब चलने के लिए, तो उस समय जो नाव है वो कैसी लग रही है, मृदुमंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, वो ऐसे लग रही है जैसे अपने पंखों को फैलाए हुए तिर रही खोल पालों के पर, वो अपने पंखों को कैसे खोल के, जैसे हंसनी सुंदर लगती है, हंसनी को देखें ना, वाइट रंग की हंसनी रहती है, पंखों को फैलाए ऐसे पानी में जैसे तैर रही है, वैसे ही मृदु मतलब धीरे धीरे मंद मंथर मंथर गति से वो जो हमारी छोटी सी नाय है वो हंसनी से सुंदर दिखाई दे रही है, और तिर रही है मतलब तैर रही है, और खोल पालो मतलब जो अपने पालों के पर, वो अपने पर को खोल कर ऐसे हंसनी की भांति, मानो हंसनी की भांति पंख फैला कर तैर रही है।
निश्चल जल के सूचि दर्पण बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। यहाँ पे निश्चल जल के सूचि माने पवित्र, यहाँ पे कहते हैं जो ये उस समय चांदी से वे चमकीले गंगा के तट निश्चल, वो चांदी से चमकीले, जैसे ही चांदनी रात वो पानी और रेत पे पड़ता है तो वो कैसा लगता है, चांदी की तरह चमकने लगता है। तो निश्चल जल के सूची ये पवित्र गंगा का जो जल है उसमें जो चमकीले जो गंगा के तट निश्चल और स्वच्छ जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर कुछ क्षण के लिए दोहरे ऊँचे ज्ञात हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे कुछ क्षण के लिए ये दोहरे मतलब दोबारा दिखाई दे रहे हैं। निश्चित जल के सूची दर्पण बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर, जैसे लगता है बार बार उसको दोहरे दिख रहे हैं, ऐसा कि जैसे दोहरे ऊंचे ज्ञात हो रहे हैं। जब कोई गंगा के तट पर निश्चल स्वच्छ जल रूपी कोई अगर दर्पण प्रतिबिंबित होकर कुछ क्षण के लिए जो उसकी छाया जिसकी दिखाई दे रही है वो दो दो करके दिखाई देती है ना, ऐसा दिखते हैं ना, तो उस समय प्रतिबिंबित होकर कुछ क्षण दोहरे ऊंचे ज्ञात हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि काला कांकर का राजभवन, ये काला कांकर जहाँ पे राजभवन में ये थे कवि थे, राजभवन का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था उस समय। ये जो भवन था, भवन महल आप देखते हैं खूब ऊंचा ऊंचा किला का बना रहता है, तो उसकी जो छाया है उसका जो प्रतिबिंब है वो किस में दिख रहा है, जल में दिखाई दे रहा है, जैसे और दोहरा मतलब ऊंचा दिखाई दे रहा है। इसमें कहते हैं कि वह इसलिए जल में सोया हुआ ज्ञात हुआ, जैसे राजभवन का प्रतिबिंब जल में, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रसन्न, जैसे वो प्रसन्न मुद्रा में सोया निश्चिंत होकर जल में सोया हुआ है और राजभवन का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था, कवि को वह इसलिए जल में सोया हुआ सा ज्ञात हुआ, जैसे उसकी पलकों में वैभव के स्वप्न भरे हुए हों, पलके में वैसे स्वप्न सघन, जैसे उसके पलकों में ऐसे शांत मतलब शांत और प्रसन्न मुद्रा में वो राजभवन जिसकी परछाएं उस नदी गंगा नदी में दिखाई दे रही है वो ऐसे सोया है जैसे लग रहा है निश्चित प्रसन्न होकर वो निष्पलक मतलब बिना चिंता बिना स्वार्थ के जैसे पलकों में अपने वैभव स्वप्न सघन अपने पलकों में जैसे वैभव को सजाए वैसे शांत होकर वो भवन सोता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कवि ने इसी का वर्णन किया है कि जिसमें चांदनी रात का प्रथम प्रहर, अब इसने चांदनी रात का प्रथम प्रहर का वर्णन किया, हम चले नाव लेकर सत्वर, वहाँ पे कवि कहता है कि हम क्या कहते हैं तेजी से नाव लेकर चल रहे हैं, सिक्ता की सस्मित सीपी पर मोती ज्योत्सना रही विचर, और उस बालू में ऐसे उसकी छाया दिखाई दे रही है जैसे सस्मित माने होता है कि एक मृद मुस्कान मतलब मीठी मुस्कान, सीपी पर मोती, ऐसे लग रहा है जैसे सीपी पर मोती हो, इस तरीके से वहाँ पे चांदनी रात बिखर रही है। और वहाँ पे जो नैया है जहाँ पे कवि उस समय विचरण कर रहे हैं उस समय का देखिए वर्णन है, नाय पे जब सवार, पहले तो उन्होंने गंगा की और गंगा के सौंदर्य का वर्णन किया और फिर इसके बाद उन्होंने जब उस अनुभव को बताया जिस समय वो नाव पे सवार थे और उनके जो सामने चांदनी रात थी, चांदनी रात का जो प्रहर था, चांदनी रात में प्रकृति के सौंदर्य का, जैसे हमने कहा कि प्रकृति जो पहली पंक्ति थी जो सात स्निग्ध में तापसी बाला उसमें मानवीकरण अलंकार में सौंदर्य का मानवीकरण रूप दर्शाया है, इसमें है तो सौंदर्य का प्रकृति आत्म उद्बोधन स्वरूप को दर्शाया है कवि ने। अब इसकी अगली पंक्ति है